नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चैनल्स के बारे में, उन यूट्यूबर्स के बारे में जिनके जीरो व्यूज़ हैं, जीरो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि अभी अभी यूट्यूब में करियर बनाने के लिए आई हैं, जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब में चैनल क्रिएट किया है, या जिनके 5 या 6 सब्सक्राइबर्स हैं, या जिन्होंने अपने फ्रेंड से बोलकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कराया है, या जिन्होंने खुद की अपनी 5-6 ID बनाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सबको पता है इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं जिसके जीरो व्यूज़ हैं, जीरो सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं और अपने चैनल पर एक्टिव व्यूज़, एक्टिव सब्सक्राइबर्स कैसे पा सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट करके हमको जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, हमारी वीडियो में पेटीएम कैश का गिव अवे चल रहा है, लास्ट में बताऊँगा आपको करना क्या होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टिप आती है वो है आपके माइंडसेट को। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट सेट करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर में बता दूं, आपको 18 वीडियो तक आपको अपना माइंडसेट सेट करना होगा। आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं होगा उस टाइम पर, बस आपको अपनी वीडियो में फोकस रखना है, अपने चैनल में फोकस रखना है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, हाँ भाई मुझे वीडियो बनानी है, कॉन्टेंट अच्छा से अच्छा बनाना है। आपको ये परवाह बिल्कुल नहीं करनी, हाँ भाई मेरे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, मेरे चैनल मेरे वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। आपको इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इससे फ़र्क पड़ता है, आप एक आज के दिन में वीडियो बनाओगे, अगर आपके नेक्स्ट चैटिंग में वीडियो अपलोड करते हो आपको 10 व्यूज़ आ जाते हैं, 20 व्यूज़ आ जाते हैं, फिर कल आप वीडियो अपलोड करते हो उसमें कुछ भी व्यूज़ नहीं आता, आपको भी मोटिवेट हो जाते हो और चैनल छोड़ के भी चले जाते हो। इससे आपको कुछ भी 100 वीडियो तक आपको बस माइंडसेट बनाना है, हाँ भी मुझे अपना कॉन्टेंट अच्छा बनाना है। और आपको ये भी देखना होगा हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी वीडियो को बनाने के लिए, आपको ऑब्जॉर्व करना होगा, आपको सीखना होगा उनसे कुछ, तब भी आप वीडियो बहुत अच्छे से बना पाओगे और मोटिवेशन कर पाओगे और दूसरों को भी। जैसे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, एक टाइम ऐसा भी आएगा बस आप अपना फ़ोन निकालोगे, वीडियो रिकॉर्ड करोगे और अपने वीडियो में अपलोड कर दोगे, चैनल में अपलोड कर दोगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपने रियलिटी वीडियो के रियलिटी वीडियो ऑडियंस ढूंढनी होगी। और आप कैसे ढूंढ सकते हो अपने रियलिटी वीडियोज़ की ऑडियंस? सबसे पहले आप स्टेज पर वीडियो बनाते हो, या कुकिंग पर चैनल है आपका, या कॉमेडी पर चैनल है, आपको वैसे ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी। आप कैसे ढूंढ सकते हो? आप फेसबुक में जा सकते हो, व्हाट्सएप में जा सकते हो, उसमें अगर आपका कोई भी ग्रुप ऐड कर सकते हो, या फेसबुक में जाकर अगर आपका टीच का चैनल है, टीच के कॉमेडी वीडियो ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप्स को ऐड करना जिस रिलेटिव है आप वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर टेक्नोलॉजी पर वीडियो बनाते हो, आप टैग पर ग्रुप सर्च करके आप उसमें ऐड हो जाएं, क्योंकि उसमें 100% चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं आपकी वीडियो में ऑडियंस आने के और आपके वीडियो में व्यूज़ आने के। इससे भी आपका चैनल 100% ग्रो होता है। जिसके जीरो व्यूज़, जीरो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो अक्सर यही करता है, मैंने भी ऐसा किया था, जिस वजह से मेरे चैनल पर व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए थे। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। एग्जांपल के तौर में ले लो, जिसके 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, 500 सब्सक्राइबर्स में हो जाते हैं, वो लीजर में जीने लगता है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता अब कौन सा कैसे काम किया जाए। जैसा कि मान लो आप अपनी वीडियो पर YouTube टिप्स पर वीडियो डालते हो, उस पर आज 100 या 200 व्यूज़ आ जाते हैं। अगर आप दूसरे में अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल देते हो, उसमें करीबन 50 व्यूज़ आ जाते हैं या 60 व्यूज़ आ जाते हैं। आप यह समझते हो हाँ भाई जो ये 500 या 100 सब्सक्राइबर्स हैं इसमें मेरी रिस्पेक्ट है। अगर आप ये ऐसा सोचते हो तो पर बिल्कुल ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि 500 या 600 सब्सक्राइबर्स में भी कम से कम आपको 100 या 200 लोग देखते हैं, उससे ज़्यादा लोग कभी नहीं देखते, ये मेरा मानना है। जिनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी होते हैं वो भी उनके भी व्यूज़ देखना कम से कम उसके व्यूज़ 5,000 व्यूज़ आ जाते हैं, करीबन 10,000 व्यूज़ आ जाते हैं, पर वो अपनी वीडियो को कभी डिलीट नहीं करते। अगर आप भी ऐसा करते हो, अगर 500 आपके सब्सक्राइबर्स हैं या 100 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपकी वीडियो में आज 100 व्यूज़ आए हैं, कल 50 व्यूज़ आ जाएंगे, अपनी वीडियो को कभी भी डिलीट मत करना।
आप सभी को पता है यूट्यूब में वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक 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 लकी चांस ही होता है जो कि आपकी वीडियो को वायरल कर देता है या आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। इस वजह से आप अपनी वीडियो किसी को भी डिलीट मत करो, जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं आने दीजिए, पर अपनी वीडियो को कभी डिलीट मत कीजिए। अगर आप अपनी वीडियो को डिलीट करते हो, जिन जिन ऑडियंस ने आपको देखा होता है उससे कनेक्ट आपका टूट जाता है। इस वजह से आपका चैनल ग्रो होने की बजाय नीचे हो जाता है, आपके व्यूज़ भी कम हो जाते हैं। ऐसे आई होप आप समझ गए होंगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। शुरुआती तौर में जिनके जीरो सब्सक्राइबर्स जीरो व्यूज़ हैं उनको किन कैसे अपना माइंडसेट सेट रखना है। अंडर वीडियो तक अपने किसी का भी लेना देना नहीं है। आप भी अपने आपके चैनल पर कितने व्यूज़ आते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। बस अपने कॉन्टैक्ट में ध्यान दो, अपने काम में ध्यान दो, बस इतना ही करो और कुछ मत करना। अगर आप कुछ भी दूसरों से कोई भी आपको बोल देता है आप तेरे चैनल पे इतने व्यूज़ आते हैं, आपके तेरे चैनल इतने, आप कोई कुछ रिएक्ट मत करो, अपनी वीडियो कभी भी डिलीट मत करो। अगर आप अपनी वीडियो को ऐसा नुकसान पहुंचाते हो ऐसे आपका चैनल का नुकसान हो जाता है, आपके व्यूज़ भी कम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था वीडियो स्टार्टिंग में, हमारी वीडियो में गिववे पेटीएम कैश का गिववे चल रहा है, आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके हमको जरूर बताना है आपको ये कैसा लगा। उसको पेटीएम कैश कर ली, पेटीएम कैश 50 रुपये का दिया जाएगा। इस गिववे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कर दीजिए लाइक, नीचे अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए, और कल मिलते हैं जो भी लकी विनर होगा पेटीएम कैश का, कल तुरंत ही लाइव भी पेटीएम कैश दिया जाएगा और लाइव भी आपको दिखाया जाएगा हाँ भी इनको पेटीएम कैश दिया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लाइव सेशन में। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।